मधुबनी मखाना का फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। हमारे बीच हमारे रोहित जी हैं, जो इसके रोहित चंद्रा जी जो फाउंडर एमडी भी हैं, हमारे शंभू बाबू अभिभावक हैं। आज सबों के प्रयास से ये इतना बढ़िया जो आप देख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल युग में जो हमारा मखाना का जिस ढंग से होता था, इनका जिस ढंग से प्रोडक्शन हो रहा है कि दुनिया का जो वालमार्ट भी जो है वो इनसे परचेज कर रही है, और यहाँ सैकड़ों लोग और इनसे जुड़े हुए कम से कम हजारों किसान हैं जिसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट फायदा होगा। तो ये मान के चले कि एक फैक्ट्री खुलती है तो 100 लोग उससे रोजी रोजगार में जुड़ते हैं, और जो किसान है, एक एक किसान जिनसे आप टाइमली परचेज करते हैं, समय पे पैसा देते हैं, तो इनडायरेक्ट इन लोगों को इतना बड़ा लाभ मिलता है। तो आगे आने वाला टाइम में निश्चित तौर पे इस तरह के ढेर सारी फैक्ट्रियाँ आएंगी। पूरा जब GI टैग मिला मधुबनी को, तो मखाना क्षेत्र में एक नया क्रांति आ रही है, और हम लोग किसान से भी चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे हो उस पर ध्यान दीजिए। और पूरे देश दुनिया में मधुबनी का मखाना सबसे टेस्टी मखाना कैसे हो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और गुणवत्तापूर्ण मखाना रखने से हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन होगा, मखाना तो बहुत पहले से यहाँ का, दूसरे जगह दिल्ली बॉम्बे सब जगह के तरह तरह का प्रोडक्शन होता था, लेकिन मधुबनी का मखाना मधुबनी में आकर के अगर प्रोडक्शन कर रहा है उस टेक्नो स्टाइल में जो पूरे वॉलमार्ट जैसी संस्था खरीद रही है, तो उसके हिसाब से गुणवत्ता बनाने के लिए जो इनको आधार रखना चाहिए, आधारभूत संरचना का जो निर्माण करना चाहिए, सरकार के तरफ से जितना मदद मिलना चाहिए, इस तरह के जितने भी लोग होंगे, हम लोग शुरुआत कर ही दिए हैं। अब पिछले 6 महीना में ये 5वां मखाना का है हमारा उद्घाटन फैक्ट्री का, तो ऐसा लगता है कि डे बाई डे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है, और लोग इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनमें भी एक आत्मविश्वास जग रहा है कि कैसे इसकी खेती और बढ़िया ढंग से हो। कुछ मशीनों की बात की गई है यहाँ पे सर, कि मशीन जो कुछ अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए आपसे मदद मांगी है क्या कुछ? एक्चुअली कोई अगर आएगा तो हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। हम तो मान लीजिए उद्योग मंत्री हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ जहाँ पहले 40 साल से आप देख रहे होंगे कोई डेवलप नहीं हो रहा है, एक साथ 700 करोड़ का पूरे 77 जगह काम हमारा चल रहा है, जो कम से कम 6 महीना के अंदर पूर्ण हो जाएगा। आप मधुबनी जाएंगे तो लोहट देखेंगे, पंडौल देखेंगे, दरभंगा जाएंगे तो दोनों इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे, जहां मन करेगा जाएंगे, कुछ न कुछ काम चल रहा है। और इस वर्ष हमारा उम्मीद है कि 2 वर्ष के अंदर 2000 करोड़ का और डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा और जो उद्योग खोलने वाले उनका जो सम्मान बढ़ेगा। आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि ये उपभोक्ता का बिहार है, उत्पादकता का बिहार जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हमारे लोग, बिहार के लोग निश्चित तौर पे अपना जहाँ भी शोरूम है, जो भी दुकान है, आप देखें कि बिहार का कौन सा प्रोडक्शन है उसे खरीदने का प्रयास करें, क्योंकि उससे जुड़े हुए जितने हमारे लोग बने लेबर हैं उनको भी वो लाभ मिलेगा। केवल ब्रांड से नहीं काम चलता है, और गुणवत्तापूर्ण अगर हमारा सही है, कोई ऐसा नहीं है कि स्पूरियस कोई ख़राब चीज़ हमें लेना है, हम गुणवत्तापूर्ण सामान लेकर के अपने बिहार का नाम आगे करने का प्रयास करेंगे, और उपभोक्ता के बिहार से उत्पादकता का बिहार बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। तालाब की बात की है, पहले जितना मखाना का उपयोग होता था अभी उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर जगह तालाब भरी जा रही है, उस पर क्या यार, इसकी वजह से जो है मधुबनी पानी की भी समस्या हो रही है, इससे क्या कहना चाहते? उस पर काम चल रहा है, जितने भी तालाबें हैं उससे इसमें जो पहले तालाब का जो डेप्थ था वो, तो यहाँ तो 5 फीट डेप्थ पर कि नहीं, तालाब के कैपेसिटी से जितना चौड़ है ये है उस सब का उपयोग शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है अभी आपको बताया गया कि जितना हेक्टर पहले था उससे डबल हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे, इतना हम विश्वास करें। एक सवाल, हमेशा आग्रह करते हैं कि बिहार के तरफ देखें, पॉजिटिव उम्मीद रखें। अगर विशेष राज्य का दर्जा एक हो सकता है तो हम विशेष राज्य का दर्जा की बात अभी हम नहीं करेंगे,
हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करेंगे। बिहार छोड़ करके आप लोग पूरे देश में किसी राज्य चले जाइए, सब जगह आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दिखेगा। हम अपने बिहार के लिए हम दो चार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं, जिसमें हमारा मधुबनी भी हो, ताकि 15 साल का जब टैक्स हॉलीडे होगा तो देश के जितने लोग हैं लोग यहाँ पर आकर के उद्योग खोलने का प्रयास करेंगे। उससे 50,000 लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। और जब तक भारत सरकार हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं देगा तो मधुबनी में 50,000 लोगों को कैसे रोजी रोजगार मिलेगा। इसलिए आवश्यक है भारत सरकार से कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का दर्जा दे। हाँ जी, मेरा नाम रोहित चंद्रा हुआ, फाउंडर एंड डायरेक्टर मधुबनी मखाना प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम लोगों ने लोटस ली का उद्घाटन किया है। हाँ जी, तीन फ्लेवर लॉन्च किए हम लोग, पेरी पेरी, हिमालयन सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एंड क्रीम एंड ओनियन। ये तीन फ्लेवर अभी लॉन्च किए हैं, बाकी हमारा तीन फ्लेवर और भी आने वाला है। टैंगी टोमेटो और पुदीना फ्लेवर है, और भी जो है टोमेटो फ्लेवर, ये सब आने वाला है। तो मखाना का पास्ता हम लोगों ने नया अभी डेवलप किया है। कि पहले हम लोग मार्केट में ना मैदा और सूजी, मैदा का मिलता था पास्ता, मैदा और सूजी का। अब हम लोग लेके आया मखाना का पास्ता, जिसमें 50% मखाना और 50% जो है आपको सूजी मिलेगा। और वो पूरा हेल्दी है और एकदम हेल्थ बेनिफिट से पूरा भरा हुआ है, जिससे लोगों को हेल्थ कॉन्शियस, मैदा का पास्ता नहीं खाना पड़ेगा। तीन फ्लेवर है उसका, थोड़ा बताइए अलग अलग क्या है? तीन फ्लेवर हमारा पेरी पेरी है, हिमालयन सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और क्रीम एंड ऑनियन। पेरी पेरी आपको मसाला वाला हो गया, तो बेसिकली जिसको मसाला थोड़ा पसंद है स्पाइसी, जैसे बिहार के लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो वो उनके लिए है, ठीक है। उसका क्रीम एंड ऑनियन है जो बच्चों लोग को पसंद आएगा, कि क्रीम एंड ऑनियन रहता है, लाइट है, थोड़ा ज़्यादा मसाला नहीं है, तो बच्चों लोग को पसंद है। और एक है हमारा हिमालयन सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, जो हम नॉर्मली हम लोग घर पर भूज के खाते थे काली मिर्च दे के, उसको हम लोगों ने डेवलप किया है। ये बहुत लोगों का डिमांड था कि हमको नॉर्मल जो घर पे खाते हैं वही चाहिए हमको, तो उसको हम लोगों ने हिमालयन सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डेवलप किया उसके लिए। जैसे बता रहे थे कि इसमें जो वाइल्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ जी, कहीं विदेश से आप मंगाते हैं वाइल्ड? वाइल्ड हाँ, ऑलिव ऑयल जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली ऑलिव ऑयल जो है बेसिकली स्पेन से हम लोग मंगाते हैं और वही हम लोग यूज़ करते हैं। पहले हम लोग वो सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रहे थे, बट बहुत प्रॉब्लम आया, इसीलिए हम लोग सबसे बेस्ट क्वालिटी जो ऑयल होता है वो यूज़ कर रहे हैं लोटस ली में, ताकि बेस्ट प्रोडक्ट बने हमारा जो, और उसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा रहे और टिके सेल्फ लाइफ। नाइट्रोजन फिलिंग करे कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट आपको मधुबनी में या बिहार में ज़्यादा नहीं मिलेगा, जो हम लोगों ने डेवलप किया है। ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और इन्होंने सिर्फ बिहार के लिए नहीं, क्योंकि तो हमारे एक और फाउंडर जो है डायरेक्टर हैं वो लंदन में रहते हैं, तो वर्ल्ड क्लास के बनाया प्रोडक्ट कि वहाँ भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सके उसको जो है। इवन हमारा भी एक्सपोर्ट का स्टार्ट भी हो गया है, और लोटस ली कुछ ही दिनों में लंदन पहुँच जाएगा। तो जैसे वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर एक अलग ही जो है एक्सपोर्ट का हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो डोमेस्टिक में तो कर ही रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हम लोग साथ में करेंगे। अपना परिचय बता। मैं डॉक्टर मनोज कुमार हूं, वरिष्ठ वैज्ञानिक एंड हेड मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। आज मधुबनी मखाना का तीन वेरिएंट जो है लॉन्च हुआ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मखाने की खेती में जितने लोग जुड़े हैं, मखाने की खेती से जो लोग जुड़े हैं, इसके प्रसंस्करण से जो लोग जुड़े हैं, उनको उनकी आमदनी को अगर बेहतर करनी है तो इस समय मखाने के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं वो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाज़ार में लाने की ज़रूरत है। और इस समय मखाने के तीन मूल्य संवर्धित उत्पाद रोहित जी के माध्यम से और मधुबनी मखाना के माध्यम से बाज़ार में उतारा गया है। तो मेरा मानना है कि मखाने की खेती से जो लोग जुड़े हैं, इसके प्रसंस्करण से जो लोग जुड़े हैं, इनको निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। इसको मार्केट के वैल्यू के हिसाब से क्या कैसा देख रहे हैं मखाना का जो है नया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मखाने की पौष्टिकता और इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुणों के प्रति जैसे जैसे पूरी दुनिया में जागरूकता बढ़ रही है, मखाने की मांग वैश्विक होती जा रही है। और इसमें क्योंकि सप्लाई का क्षेत्र बहुत लिमिटेड है, उत्तर बिहार के 8 से 10 जिलों में ही मखाने की खेती होती है, या इसे सप्लाई जोन आप कह सकते हैं, तो मांग पूरी तरह से वैश्विक है और सप्लाई बहुत सीमित क्षेत्रों में है। तो अर्थशास्त्र का सामान्य सा सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी भी खाद्य उत्पाद की मांग बहुत ज़्यादा और सप्लाई बहुत कम हो तो उसमें व्यवसाय के अच्छे मौके बनते हैं। मखाना के केस में ठीक वही हो रहा है, पूरी दुनिया में मांग है और सप्लाई करने वाले बहुत कम हैं। मिथिला के क्षेत्र से मधुबनी, दरभंगा और आसपास के जो जिले हैं, यहीं से सप्लाई हो रही है।
तो निश्चित तौर पर इसके व्यवसाय के फलने फूलने का बहुत ही ज़्यादा मौका है इस समय पूरी दुनिया में, देश भर में तो है ही, देश के बाहर भी इसकी मांग है और निश्चित तौर पर हमारे उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इसका फ़ायदा हमारे किसानों को, हमारे उद्यमियों को मिलेगा और हमारी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, उत्तर बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, मिथिला की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इसको निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि मजबूती मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम देवेश कुमार झा है, मैं फाउंडर एंड MD किसान स्टेशन डेविस्ट का हूँ। हाँ, दो चीज़ों है, मैं जैसे बताया गया कि कुशल श्रमिक और पूंजी दो बहुत बड़ा लैगिंग है, तो सबसे पहले तो टेक्निकल इंटरवेंशन, मैंने जैसे बताया कि ड्रोन्स हुए, ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज हुई, उसकी शुरुआत हो चुकी है, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, विजिट किया होगा, तो एक सबसे पहले कि विश्वास हुआ लोगों को कि मधुबनी में भी फैक्ट्री हो सकती है। पूंजी एक बड़ी समस्या है जिसके लिए मैंने सरकार से गुजारिश किया है कि आप मदद करें, और दूसरी कुशल श्रमिक, तो यहाँ के युवाओं से आह्वान करूँगा कि आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए, काम कीजिए, और क्लाइंट ऑलरेडी हमारे पास है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो हमने एस्टैब्लिश कर लिया है, तो आज ये चीज़ हमें लोगों को आप लोगों के माध्यम से बताना है और इस मुहिम को आगे ले जाना है।